नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। सिपरीटोला चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के छावनी विधानसभा के SC/ST आयोग का कोऑर्डिनेटर बनाए जाने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद और SC/ST आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कटेरिया मौजूद रहे। वहीं लालव गांव में हुई घटना के बारे में दुख जताते हुए बोला, घटना का जल्द होगा खुलासा। सिपरीटोला चौराहे पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन छावनी विधानसभा का कोऑर्डिनेटर बनाए जाने पर हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि SC/ST आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कटेरिया मौजूद रहे। कोई मूल बात बताओ मार्केट में आप सम्मान समारोह किया गया है। ये छिपी टोला में कार्यक्रम यहाँ के हमारे सब कार्यकर्ता और विशेष रूप से हमारा रवि अरोड़ा के स्वागत में कार्यक्रम हुआ है और आगे इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी के द्वारा। मलपुरा में इतनी बड़ी घटना हुई, 5 दिन हुए, कुछ नहीं पाई है। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जो घटना हुई है, जिस लड़की को जिन लोगों ने जलाया है, वो लोग निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे, वो चिन्हित हो रहे हैं। ये ठीक है कि थोड़ा समय लग रहा है, इसकी भी चिंता है, लेकिन मेरी जो अधिकारियों से आज वार्ता हुई है तो मैंने उनको बोला है कि वो 3 दिन में इसको ओपन करें और मुझे पूरा विश्वास है कि ओपन भी होगा और जो सच्चाई है वो सच्चाई सभी के सामने आएगी। नसरीनुद्दीन शाह ने एक बयान दिया कि मेरे अगर बच्चे कोई भीड़ घेर लेती है तो मेरे बच्चे उस भीड़ को अपना धर्म क्या बताएंगे, हिंदू बताएंगे कि मुस्लिम बताएंगे, ऐसा जहर माहौल में जहर घुल गया है। रामशंकर कटेरिया जी प्रोग्राम था यहाँ पे, मुझे SC/ST आयोग का छावनी का कोऑर्डिनेटर बनाया है और मैं जनता की सेवा के लिए रात दिन खड़ा रहूँगा। जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को मैं ढंग से निभाऊंगा। मलपुरा में थोड़ी घटना हुई है, घटना भी जांच चल रही है, अब देखते हैं जांच में और ये अपराधी जरूर पकड़े जाएंगे, ये हम लोग आप लोगों से वादा करते हैं। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ आशु अली की खास रिपोर्ट।